ये किया है, लेकिन जो इसका गैंग का मुखिया है सलमान, इसकी बड़ी भारी क्रिमिनल हिस्ट्री है और इसके विरुद्ध कुल मिला के 33 अभियोग पंजीकृत होने की अभी तक हम लोगों को जानकारी मिली है। इसके साथ में दूसरा इसका सहयोगी सुनील कन्होजिया है, उसके खिलाफ भी गैंगस्टर सहित अनेक जघन्य धाराओं के मुकदमे पंजीकृत हैं। सर, जैसे ये लोग चोरी कर रहे थे, असलाह भी इनके पास था, तो असलहे का इस्तेमाल अभी तक इन लोगों ने चोरी के दौरान किया या फिर जो लूट की भी घटनाएं कर रहे थे चोरी के साथ? नहीं, इसमें जो फिलहाल जो 4 मुकदमे इनके ऊपर ओपन हुए हैं उनमें लूट का कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन इनकी जो आपराधिक इतिहास है उसमें लूट के कई मुकदमे हैं। तो ये समय पड़ने पे लूट भी, मतलब जिस तरह की अपराध करना चाहे उस तरह के अपराध करते रहे हैं, ये अभ्यस्त अपराध का मोटो क्या रहा अभी तक के, तो क्या निकल के सामने आया कि क्या मोटो? ये इसमें कुछ लोग, विशेष रूप से जो गैंग का मुखिया है, बहुत बड़ा नशेबाज है, इसमें एक कादी है, और अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पैसे चाहिए, उसके परिजन नहीं है, परिवार में केवल 3 बहनें, तीनों विवाहित है और कोई नहीं है, और निरंतर जेल में रहा है, जैसा कि आप समझ सकते हैं 33 मुकदमे हैं उसके, और अभी 2 महीने पहले ही वो जेल से बाहर आया था। सर, ये तीनों लोग आपस में कनेक्ट कैसे हुए, क्योंकि तीनों अलग अलग रह रहे हैं, तीनों की उम्र भी सेम नहीं है? आप नहीं, उम्र तो लगभग लगभग सेम है, 27 है, 26 है और 19 वर्ष है, तो नव युवा ही है अभी, बहुत वो नहीं हुआ है। साथ ही जो आप समझ रहे हैं कि जेल में जब जाते हैं लोग तो आपस में मुलाकात हो जाती है, फिर जिस तरह से लोग अपने शौक के, अपनी रुचि के लोगों को खोज के उनसे मित्र भाव बढ़ा लेता है अपनी योजना के तहत, उस तरह से इन लोगों का आपस में गैंग बना और इकट्ठा। दो लोगों के पास एक गैंगस्टर लगा हुआ है। हाँ, बाइक, दोनों बाइक बरामद हुई। चोरी की हुई बाइक है? हाँ, चोरी की बाइक, चोरी की, पता है ना, एक वाराणसी में मुकदमा पंजीकृत है और एक बाराबंकी, वाराणसी सॉरी, एक उन्नाव में और एक बाराबंकी। सलमान और सुनील के ऊपर गैंगस्टर लगा हुआ है। हाँ, निगरानी क्या इसी चीज से हो रही थी, वो भी कई समय से? देखिए, निगरानी की कई पद्धतियां हैं, परंपरागत पद्धति है हिस्ट्री शीट को, हिस्ट्री शीट के लिए आवश्यक होता है कि स्थायी पता हो, जिस व्यक्ति का स्थायी पता नहीं वो जेल से निकलने के बाद कहाँ चला गया वो तो लापता में ही रहता है, तो निगरानी की व्यवस्था तो तभी है जब हम लोग के पास में उसका कोई सुराग हो। निश्चित रूप से इसमें किया जा सकता था, उनके जो अन्य जो रिलेटिव हैं उनके बारे में जानकारी की जा सकती थी, तो निगरानी होती है, ऐसा नहीं है, निगरानी होती है और निगरानी के कई तरीके होते हैं, मुखबिर भी उसमें एक शामिल है, उसी निगरानी के बतौर हम लोग इनको गिरफ्तार करने में कामयाब हुए। ऐसे लगाया जाएगा निश्चित रूप से, गैंगस्टर लगेगा इन पे भाई, गैंगस्टर इस पे लगा दीजिए, बनता है, इसलिए गैंगस्टर के बाद जितने मुकदमे कायम हुए सब इकट्ठा करके बनाइए। अभी इसमें हिस्ट्री में आपने कैब की हिस्ट्री में वो मोटरसाइकिल चोरी का नहीं दिया है, दिया है।